चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियां रहती है, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थी, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अभी बेजान था, यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती में एक बार फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई, पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे बल्कि ये कुछ बेहद अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे, साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था, यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज बन पा। हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इसी प्रक्रिया में ये एक उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे, मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था।
मगर अब समय के साथ यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब दो भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स होने लगे। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्रीय पौधे, ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे, साथ ही ये दत्ताकार समुद्री दानव भी था, एनोमिलाकैरिश। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती के सतह पे पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती की सतह पर नन्हे शैवाल पल फूल सके और ये ही धरती के पहले लैंड प्लांट्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैली, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने अपने फिंस का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन में रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। ये ही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी साफ हो गई। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया, धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज की जैसी दिखाई देती थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे।
और एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर्स के भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर पल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको दूसरा एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर इस वीडियो में कुल 2500 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर लाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही नोटिफिकेशन देखने वाले जीवों के वंशज थे लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे
और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी, केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहाँ आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी, वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गई और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगे। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि यह जमीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें
और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ फिर से एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।